गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण। सूत जी ने कहा, हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनिश्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इसी नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदनंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मन्वंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, व्यवहार व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक, अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुण महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुण सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर विशिष्ट स्थिति तथा प्रलय के भी कारण बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी शुदा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गारुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरिरूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे शौनक, ये श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ, आप सब उसको सुने। सृष्टि वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं पहलरूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवादि देव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। ये सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है, वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरणमय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्य सहित ये संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहर्ता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है, इसमें कर्मेंद्री एवं ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा गया है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है, ये प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है, पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग तिर्यक सर्ग कहलाता है, इसमें तिर्यक श्रोता पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात उर्दू श्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदनंतर सातवां सर्ग अर्वाक श्रोतों का होता है, यही मानुष सर्ग है।
आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वो सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन आठ सर्गों में पांच वैकृत सर्ग और तीन प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग नवा सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत चार प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए, तदनंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग चतुष्ट का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदनंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदनंतर जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदनंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभातकाल उत्पन्न हुआ जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से शुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदनंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से आज उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्वापद हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे दो खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवे पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर और सातवे सरीसृप जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक, यजुष, साम तथा अथर्व इन चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरुभाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्राजापत्य लोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सप्तर्षि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। मानस सृष्टि वर्णन। दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृग, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही बहिषद, अग्निश्वाद, क्रव्याद, आज्यप, सुकालिन, उपहूत एवं दीप्य नामक सात पितृगण उत्पन्न हुए। इन बहिषदादि सप्त पितृगणों में प्रथम तीन पितृगण अमूर्त रूप और शेष चार मूर्तिमान हैं। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति
और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नाम की पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के धाता और विधाता नामक दो पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी है, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली दो कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकुंड को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकुंड से महामुनि मार्कंडेय की उत्पत्ति हुई। मरीच की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के दो पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वज्ञ है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र अश्विनी वाली कुहु राका तथा अनुमति नामक चार कन्याओं को जन्म दिया। अनुसुया ने अत्रि से चंद्रमा दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्मश अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेता अंगुष्ठ पर्व परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज गात्र ऊर्ध्वबाहु शरण अनग सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक पवमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वधा ने पितरों से मीना तथा वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थी। मीना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मीना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में सती थी। हे शिव, तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजापालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। सर्ववैभव संपन्न महाराज स्वयंभू मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति आकूति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकूति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलशाली याम देवगण विशेष के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि पुष्टि मेधा क्रिया बुद्धि लज्जा वपु शांति रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थीं, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति सती संभूति स्मृति प्रीति क्षमा सन्नति अनुसूया ऊर्जा स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थीं, उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु महादेव मरीचि अंगिरा पुलस्य पुलह क्रतु अत्रि वशिष्ठ अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय को एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि से सुख और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जामाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिन बुलाए ही
सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मीना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदनंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देहत्याग से अत्यंत क्रुद्ध महातेजस्वी भृंगीश्वर पिनाकपाणि भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 7 कन्याओं की संततियों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ट नाम का पुत्र हुआ। उसने प्राचीन बरही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधि नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेण वेण ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेण की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरुभाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, त्वम निषीद अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वो विध्यांचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन बरही हुआ, जो पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बरही से सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारीशा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारीशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1,000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 7 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमी के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नाम भी कहता हूँ। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विंता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसुगणों का आविर्भाव हुआ।
हे शंकर, भानु से द्वादश भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागवीथी का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतुंडी, श्रम, शांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रोहिण, हुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं जिनकी उत्पत्ति शर्कानन पर हुई थी। कृत्तिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाक, विशाक और नैग्मेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजयकपाद, अहिर्बुद्नि, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये 3 लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, उषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भक्त कहा गया है। यही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वे सब सोम चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की कन्या भी हुई जिसका विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुलाद, लाद, प्रहलाद तथा संहलाद हैं। उनमें प्रहलाद विष्णु परायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संहलाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नाम के 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ हैं। हिरणाक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ हैं। दनु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, शंबर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचिति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हाइशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थी। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालकंज कहा गया है। विप्रचिति के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, खश्रमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ हैं। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। तामरा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शेनी से शेन, बाज, भासी से भास, गृध्रिका से गृध, गीद, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रवंश कहा गया है। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, कर्कोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष, लता वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ।
उन मरुद गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, विशुक्र तथा महाबली त्रिशुक्र इन सातों का एक गण है। ईद्रक, सद्रक, अन्याद्रक, प्रतिसद्रक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजेय गण है। ऋत, ऋतधर्मा, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदृश, सदृक्ष, एतादृक्ष, मिताशन, एतेन, प्रसदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप्त तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। द्युति, वसु, अनाधृश्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नामक सातों वायुगण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्रीहरि का पूजन करते हैं।